हेलो फ्रेंड्स, आपको वेलकम करते हैं हमारे चैनल में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डेवलपर ऑप्शन कैसे फाइंड करें अपने मोबाइल में और डीबगिंग ऑप्शन कैसे ऑन करें। इससे पहले अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोज़ देखें। चलते हैं अब वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे आइए और उसके बाद सिस्टम में जाइए। अब यहाँ ये है कि मैं डायरेक्ट सिस्टम में गया, लेकिन कुछ मोबाइल्स की सेटिंग चेंज होती है और उसमें डायरेक्ट अबाउट फ़ोन में जाते हैं। ठीक है, अब जाएंगे अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद बिल्ड नंबर पे 6 या 7 बार क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेवलपर ऑप्शन फाइंड हो जाएगा। अब देखिए, मेरे पास पहले से ही फाइंड किया हुआ है, मैंने फाइंड कर लिया था, इसी वजह से मेरे पास क्या आ रहा है, नो नीड यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर ऑप्शन। मुझे नीड नहीं है क्योंकि मैंने पहले से कर लिया है ये। तो ये था, अब चलते हैं डेवलपर ऑप्शन। बैक पे जाएंगे, हम जाएंगे डेवलपर ऑप्शन में। डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और नीचे आएंगे डीबगिंग ऑप्शन ऑन करने के लिए, यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन। यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन इसीलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम अपने मोबाइल को लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट कर रहे हैं और डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, हम उसी पे गेम वगैरह खेलने के लिए यूएसबी डीबगिंग ऑप्शन ऑन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे डीबगिंग ऑप्शन ऑन करेंगे और अलो यूएसबी डीबगिंग ओके करेंगे। हो गया, उसके बाद हम जाएंगे बैक पे। और ये था दोस्तों वीडियो। अगले वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएं। थैंक यू।